हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए मेरे प्रियो, प्रभु के दिए हुए आज के सुंदर शाम के वक्त, सुंदर संध्या काल के वक्त, आज के आनंद में रात्रि में प्रभु के साथ संगति करें, ताकि आज की रात्रि हमारे लिए आशीषमय हो, आज का पूरा रात्रि अच्छे से बीते। मेरे प्रियो, पूरे दिन प्रभु हम सबों को संभाला, हम सबों के परिवारों का भी ख्याल रखा। मैं आपको बता दूं कि अगर आप आज की रात्रि के कुछ पल, समय, घड़ी, वक्त प्रभु के हजूरी में बिताएंगे, प्रभु से बातें करेंगे, प्रभु के वचनों पर मनन करेंगे, तो पूरा रात्रि भी प्रभु आपको संभालेगा, आपके परिवारों का भी ख्याल रखेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। और आगे भी मेरे प्रियो, प्रभु आपको भूलेगा नहीं, बल्कि आपको अपने अनुग्रह में चलाएगा। हाँ, सच में आपके जीवन में आने वाला समय कल आशीष में होगा। हालेलुया, आप अपने जीवन के कल में प्रभु के अनुग्रह और महिमा को देखेंगे, प्रभु के हाथ को देखेंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आइए हम प्रभु के पावन पवित्र चरणों के निकट घुटने पे आए और कुछ देर, कुछ समय, कुछ घड़ी, कुछ वक्त, कुछ पल प्रभु को धन्यवाद देते हुए प्रभु के अनुग्रह और महिमा को पाए। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद खुदा यीशु नासरी, आपका धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद हो। अनुग्रहकारी खुदा, आपका धन्यवाद हो। कृपयालु, दयालु, अति करुणा में, अति सामर्थ्य, सर्वशक्तिमान, अति उत्तम प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद हो। मेरा उद्धार, मेरा चाटा, मेरा ढाल, मेरा केला, मेरा रक्षक, सहायक, मेरा शरण स्थान, प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद हो। हाँ, सच में महान परमेश्वर, आज के पूरे दिन आप हमें संभाले हैं, हमारे परिवारों को संभाले। हाँ प्रभु, इस प्रार्थना को जितने जन सुन रहे हैं, उन सबों को आप संभाले, उनकी पूरी फैमिली को संभाले स्वर्गीय पिता। इसलिए तो प्रभु जी हम सब आज के रात्रि में आ पाए हैं। हाँ प्रभु जी, आप ही ने स्वर्गीय पिता आज के दिन के साथ आज की रात्रि भी हमें दिखाए हैं। स्वर्गीय पिता, आज की रात्रि में हमें लेकर आए हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं अद्भुत रीति से हमारा ख्याल रखने वाले, आज के पूरे दिन हमें संभालने वाले, हमारा देखभाल करने वाले, हमारे परिवारों का देख रेख करने वाले प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं तहे दिल से। प्रभु जी, करोड़ों करोड़ों आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा प्रशंसा करते हैं। लॉर्ड जीसस, सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु आपकी सहायता से। महान परमेश्वर, हे खुदावन, आज के दिन के साथ आज की रात्रि भी पाए स्वर्गीय पिता, होने दीजिए प्रभु जी। अनुग्रह कर प्रभु जी, दया कर, इससे भी बेहतरीन समय तू हमारे जीवन में जोड़ प्रभु। आशीषमय समय, सुख शांति समृद्धिमय समय, बरकत बढ़ोतरी सफलतामय समय प्रभु तू हमारे जीवन में जोड़, सहायता कर खुदावन। धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति हो प्रभु जी। प्रभु, जिनका मन व्याकुल हो रहा है, जिनके अंदर बेचैनी घबराहट है प्रभु जी, प्रभु अनुग्रह कर स्वर्गीय पिता। जिनके बॉडी में पीड़ा है स्वर्गीय पिता, प्रभु जो दुख भोग रहे हैं स्वर्गीय पिता, जो डिप्रेशन में है स्वर्गीय पिता, जो चिंतित है प्रभु, जिनके अंदर डर की आत्मा कार्य करता है स्वर्गीय पिता, जिनके मुख पर उदासी है, जिनके जीवन में रुकावट बाधाएं हैं प्रभु जी, अटैक करता है स्वर्गीय पिता, जीवन में कलेश है, दुख है प्रभु, प्रभु तू उनकी शुद्धि ले, उनके ऊपर तरस था महान परमेश्वर, ताकि वो प्रभु खुशियों से भर जाए, उनके जीवन में आनंद ही आनंद हो स्वर्गीय पिता। धन्यवाद देते हैं, उनका जीवन सुखमय बन जाए स्वर्गीय पिता। धन्यवाद करते हैं, सहायता कर, डिप्रेशन में से प्रभु जी बाहर निकालिए प्रभु जी, प्रभु दाष्टि को खत्म कर दीजिए, अपना मुख का प्रकाश प्रभु सबों के ऊपर प्रभु चमकाइए, ताकि उनके मुख से उदासी खत्म हो जाए। हे प्रभु, जिनके जीवन में रुकावट है, बाधाएं हैं, कलेश है, दुख है, दर्द पीड़ा है स्वर्गीय पिता, प्रभु जी उनके जीवन में आपके पवित्र उपस्थिति को मांगते हैं, ताकि प्रभु उनके जीवन से प्रभु सारा रुकावट बाधा खत्म हो जाए, सारा श्राप प्रभु खत्म हो जाए, अंधकार की शक्तियाँ खत्म हो जाए, दुष्ट शैतान की
की छाया प्रभु, उसका कार्य प्रभु खत्म हो जाए। सहायता कर, मदद कर महान परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। आपकी स्तुति हो प्रभु जी, आपकी महिमा हो स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु। जिनके अंदर प्रभु जी अनर्थ बातें उत्पन्न होता है, पाप की बातें, व्यभिचार की बातें, दुष्टता की बातें प्रभु जी, शरीर और संसार की अभिलाषा की बातें प्रभु उत्पन्न होता है, प्रभु अनुग्रह कर स्वर्गीय पिता, उनके अंदर तू अपनी ज्योति को उदय कर महान परमेश्वर। उनके मन को प्रभु शुद्ध कर दे महान परमेश्वर, उनके विचार को, सोच को शुद्ध कर दे महान परमेश्वर, शुद्ध मन दे, शुद्ध विवेक दे प्रभु जी। प्रभु सारे नेगेटिव बातों को प्रभु जी उनके अंदर से निकाल करके पॉजिटिव बातें भर दे, नकारात्मक ऊर्जा को प्रभु निकाल करके सकारात्मक ऊर्जा भर दे महान परमेश्वर प्रभु जी, ताकि वो प्रभु शांति से रहे प्रभु, प्रभु सुखी रहे। स्वर्गीय पिता सहायता कीजिए, मदद कीजिए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। सहायता कर गलत बात उत्पन्न करने वाले शैतान को प्रभु जी, दुष्ट आत्मा को, अशुद्ध आत्मा को सबों के अंदर से निकाल दीजिए प्रभु, ताकि सब आपको भाए और जो चाहे जब चाहे आपकी ओर से प्राप्त करें। हमारे प्रिय राजा दाऊद बोलता है कि जिनके अंदर अनर्थ की बातें उत्पन्न होता है, हालेलुया प्रभु की स्तुति, पाप की बातें उत्पन्न होता है, जो अपने मन को अनर्थ की बातों की ओर, व्यर्थ की बातों की ओर लगाते हैं, उनकी प्रार्थना प्रभु नहीं सुनता। हालेलुया, जो शुद्ध मन वाले हैं, हालेलुया, जिनके मन में कोई पाप की बातें, दुष्टता की बातें, गंदी बातें उत्पन्न नहीं होता, जो अपने मन को, अपने हृदय को गलत बात की ओर नहीं लगाते हैं, उनकी प्रार्थना प्रभु सुनता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद। प्रार्थना कीजिए मेरे प्रियो, प्रार्थना के द्वारा आप सारे समस्याओं से छुटकारा पाएंगे। हालेलुया, सारे दुख दर्द पीड़ा से, रोग बीमारी से, शैतान से आप छुटकारा पाएंगे, हर एक कलेश से, उलझन से आप छुटकारा पाएंगे। प्रार्थना कीजिए। हालेलुया, प्रार्थना का मतलब होता है प्रभु से बातचीत करना। जब आप प्रभु से बातचीत करते रहेंगे, प्रभु का ध्यान आपके ऊपर रहेगा और प्रभु आपको सुख देगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, और हर प्रकार की आशीषें देगा, हर एक तरह से आपकी सहायता, मदद, गाइड करेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, आइए हम देखेंगे कि इस सुंदर शाम के वक्त प्रभु अपने वचन के द्वारा हमें क्या सिखाता है। मेरे प्रियो, आज के सुंदर शाम के वक्त हम जिस वचन के ऊपर मनन करने वाले हैं, जिस वचन को पढ़ने वाले हैं, वो वचन है मेरे प्रियो, दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय के उसका 6 पद। इसमें इस प्रकार से लिखा है कि हे भाइयों, हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि हर एक ऐसे भाई से अलग रहो जो अनुचित चाल चलता और जो शिक्षा उसने हमसे पाई उसके अनुसार नहीं करता। आमीन, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। क्या लिखा है मेरे प्रियो, हालेलुया, इस सुंदर संध्या काल के वक्त, आज के आनंद में, रात्रि में प्रभु अपने वचन के द्वारा हम सबों से क्या बोलता है, हम सबों को क्या सिखाता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, प्रभु कहता है हम सबों को, प्रभु सिखाता है कि उन लोगों से अलग रहो जो अनुचित चाल चलते हैं, अर्थात जो वचन को सुनते हैं पर मानते नहीं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु कहता है ऐसे लोगों से अलग रहो, दूर रहो। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, क्योंकि ऐसे लोग प्रभु को नहीं भाते। हालेलुया, जो प्रभु के आशीषों को अपने जीवन में पाते हैं, चमत्कार देखते हैं, प्रभु के उपकार को अपने ऊपर देखते हैं, प्रभु के काम को, कार्य को अपने जीवन में देखते हैं पर विश्वास नहीं करते, प्रभु के वचन को सुनते हैं पर उसे ग्रहण नहीं करते, उसे अपनाते नहीं, अपने जीवन में लागू नहीं करते, अपना मनमानी करते हैं, संसार और शरीर के अभिलाषा में फंसे रहते हैं, वही करते हैं जो सांसारिक लोग करते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु कहते हैं ऐसे लोगों से क्या रहो, अलग रहो। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो लॉर्ड जीसस, आपका आदर और सम्मान हो लॉर्ड जीसस, धन्यवाद देते हैं। अगर आप ऐसे लोगों से संगति बनाए रखेंगे, प्रेम करेंगे, तो क्या होगा, हालेलुया, आपको भी अपने राहों पर, अपने मार्गों पर वो लोग चलाएंगे और आप भी प्रभु से दूर हो जाएंगे, फिर वहीं चले जाएंगे जहाँ से प्रभु आपको निकाला है।
हालेलुया। और आप भी प्रभु को नहीं भाएंगे, और जब प्रभु को नहीं भाएंगे तो प्रभु कभी आपके ऊपर प्रसन्न नहीं होगा। और जब प्रभु प्रसन्न नहीं होगा तो आप कैसे कोई भी चीज़ें प्रभु की ओर से प्राप्त कर सकते हैं? कोई भी चीज़ें नहीं मिलेगा मेरे प्रियो, कोई आशीष से आपको प्राप्त नहीं होगा। हालेलुया। किसी तरह से आप प्रभु की सहायता नहीं पा सकते हैं, प्रभु के गाइड को नहीं पा सकते हैं। हालेलुया। प्रभु को अपने निकट नहीं देख सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोग प्रभु को नहीं पाते। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद। मेरे प्रियो, वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं तो उसे अपनाइए। हालेलुया। अपने जीवन में लागू कीजिए, वचन को ग्रहण कीजिए, उसके अनुसार चलिए भी। हालेलुया। प्रभु को भाइएगा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। लॉर्ड जीसस, धन्यवाद देते हैं, सहायता कर प्रभु जी। धन्यवाद देते मेरे प्रियो। वचन कहता है, वचन को सुनने वाले ही नहीं बल्कि उस पर चलने वाले भी बनो। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। लॉर्ड जीसस, धन्यवाद करते हैं। प्रभु अनुग्रह करो, जितने मसीह भाई बहन इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, हाँ प्रभु इस प्रार्थना में शामिल हैं, हे प्रभु उन सबों को तू ओ अनुग्रह और महिमा दे कि वो सब आपके वचन को पढ़े, सुने तो उसे अपनाए भी, अपने जीवन में लागू भी करें, उसके अनुसार अपने जीवन को बिताए भी, हाँ आपके वचन पर चले भी, ताकि प्रभु आपको भाए और ये जब चाहे जो चाहे आपकी ओर से प्राप्त करें, जब चाहे आपको अपने निकट पाए, जब चाहे आपकी सहायता मदद गाइड पाए, आपकी सम्मति पाए। हाँ प्रभु आप उनका मार्गदर्शन करें। धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा हो लॉर्ड जीसस, धन्यवाद देते हैं। मेरे प्रियो, प्रार्थना करना है, हालेलुया, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, जो वचन को सुनते हैं पर मानते नहीं उनके लिए भी प्रार्थना करना है। हालेलुया। प्रभु क्या करेगा? अनुग्रह करेगा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। दुश्मनी नहीं रखना, हालेलुया, अलग रहना है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो लॉर्ड जीसस, आपका आदर और सम्मान हो प्रभु। धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी, आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु अनुग्रह कीजिए, प्रभु दया कीजिए, महान परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु अनुग्रह कर, आज के वचन के द्वारा सबों के जीवन में कार्य कर। प्रभु अनुग्रह कीजिए, प्रभु दया कीजिए, महान परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। सहायता कीजिए प्रभु जी, मदद कीजिए महान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितने आपके मार्गों से भटक चुके हैं प्रभु, फिर से प्रभु अपने मार्गों पर लाइए। जो आपके प्रेम से अलग हो चुके हैं, आपके संगति से अलग हो चुके हैं प्रभु, फिर से प्रभु अपने प्रेम में लाइए। प्रभु अनुग्रह कर, अपने पीछे चलाइए स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु अनुग्रह दया और कृपा कर दीजिए, प्रभुता कर दीजिए महान परमेश्वर। प्रभु अनुग्रह कीजिए प्रभु जी, पूरे दिन आप संभाले हैं प्रभु जी, पूरे रात भी संभालिए और आगे भी ख्याल रखना। हाँ प्रभु, आने वाले समय में, हमारे जीवन में प्रभु, आने वाले वक्त में प्रभु, हमारे जीवन के आने वाले कल में प्रभु जी, आपका हाथ रहे स्वर्गीय पिता, आपका अनुग्रह रहे, आपकी महिमा रहे स्वर्गीय पिता। प्रभु अनुग्रह कर स्वर्गीय पिता, हमारे ऊपर आपका ध्यान रहे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते। प्रभु अनुग्रह दया और कृपा कर दीजिए, प्रभुता कर दीजिए महान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। यीशु नासरी, आपका धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद हो। सहायता कर, सहायता कर, सहायता कर, सहायता कर, सहायता कर, मदद कर खुदावन। आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं। प्रभु अनुग्रह कर दीजिए प्रभु, सारे दुख दर्द पीड़ा को दूर कर दीजिए प्रभु, फ्यूचर को उज्जवल बनाइए, शांति दीजिए जीवन में, सुख दीजिए महान परमेश्वर, धन्यवाद देते। सारे दिक्कत परेशानी को दूर कर दीजिए प्रभु, सारे तकलीफों को प्रभु जी दूर कर दीजिए, सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दीजिए प्रभु।
प्रभु अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, महान परमेश्वर आपकी स्तुति करते, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते, सहायता मदद गाइड करते, प्रभु संभाल देखभाल कर देख रेख कर, महान परमेश्वर धन्यवाद करते, ख्याल रख प्रभु जी, जितने बच्चे नौजवान बड़े बुजुर्ग मसीह भाभी इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं उन सबों के ऊपर तू अपनी दृष्टि को बनाए रख, और सब प्रभु आपके पनाह में रहे, स्वर्गीय पिता है जिंदा खुदा आपके छत्र छाया में रहे स्वर्गीय पिता, सहायता कीजिए प्रभु, अनुग्रह कीजिए प्रभु, आगे कृपा बढ़ाइए प्रभु, धन्यवाद देते सबों के ऊपर, आप अपने अनुग्रह की दृष्टि बनाए रखिए प्रभु, कोई डिप्रेशन में रहने ना पाए प्रभु जी, कोई चिंता करने ना पाए स्वर्गीय पिता, सहायता कर प्रभु जी, प्रभु जो चिंतित है उनके चिंता को तू अपने ऊपर ले ले, जो बोझों से दबे हुए हैं स्वर्गीय पिता प्रभु, उनके बोझों को प्रभु, उनके सारे तकलीफों को, दुख दर्द पीड़ा को प्रभु तू अपने ऊपर ले ले, और उनको विश्राम दे महान परमेश्वर, शांति की आशीष दे ताकि उनको सुख मिले, सहायता कर खुदा, धन्यवाद देते, आपकी स्तुति हो प्रभु जी, आपकी महिमा हो, आज की रात्रि में भाई बहन जो भी प्लान योजना बनाएंगे, जो भी युक्तियां निकालेंगे, इनका बनाया हुआ प्लान योजना निकाली हुई युक्तियां सफल होने के लिए आपसे प्रेयर करते हैं, सहायता कीजिए प्रभु जी, जब ये लोग अपने बिछौने में सोने जाएंगे, इनके परिवार के कोई भी सदस्य प्रभु हाँ जितने इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं वो सब प्रभु और उनके परिवार के कोई भी सदस्य हे प्रभु जब अपने बिछौने में सोने जाएंगे प्रभु, प्रभु जी अनुग्रह करना कि पूरे रात निश्चित सोए, कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो, डरावना बुरा सपना ना आए प्रभु जी, शैतान अटैक ना करे, शत्रु प्रभु जी आनंद ना करे प्रभु, अनुग्रह कर प्रभु जी, आपकी स्तुति हो प्रभु, अच्छी मीठी नींद, सुख शांति चैन की नींद आप सबों को दीजिए, जो नींद की दावा खाते बिना दावा के आप अच्छी मीठी नींद उन्हें प्रदान कीजिए प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु, कृपा कर दीजिए प्रभु, जो रात में सो नहीं पाते चिंता करते हैं प्रभु, उनके चिंता को दूर कर दीजिए प्रभु, जो बच्चे प्रभु सो नहीं पाते रोते हैं प्रभु जी, प्रभु जी उन्हें भी आप अच्छी मीठी नींद दीजिए, धन्यवाद देते हैं जिनको दुख हो रहा है स्वर्गीय पिता प्रभु, उनके दुखों को आनंद में तू बदल दे प्रभु, अनुग्रह कर प्रभु, सबों को आगे बढ़ा, सबों के उन्नति के लिए तू अगुवाई कर प्रभु जी, अनुग्रह कर दे, शैतान के सारे बंधन बेड़ियों जंजीरों को प्रभु सबों के जीवन से तोड़े दे, टुकड़े टुकड़े कर दे, बंधन को प्रभु खोल दे, धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो प्रभु जी, हर एक जन प्रभु हाँ जितने इस प्रार्थना में शामिल हैं वो सब प्रभु जी आगे कर बढ़े, आपके अनुग्रह से प्रभु ऊंचा स्थान पाए, ऊंचे पर नियुक्त हो गए, अच्छे स्थानों पर बैठे प्रभु, अनुग्रह कर, दया करते महान परमेश्वर, धन्यवाद देते, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा प्रशंसा हो लोटे जीसस, धन्यवाद देते हैं प्रभु, अनुग्रह दया और कृपा कर दीजिए प्रभु, दया कर दीजिए प्रभु जी, दया कर दीजिए प्रभु, शक्ति दीजिए, सामर्थ्य दीजिए प्रभु, बीमारी से छुटकारा दीजिए, शैतान से स्वतंत्र कीजिए, कर्ज महाजन से छुटकारा दीजिए, कमेंट के माध्यम से जो लोग अपनी प्रार्थना निवेदन प्रार्थना विषय में दिए हैं प्रभु जी, उनकी दी हुई प्रार्थना निवेदन आपके हजूरी में हम रखते हैं प्रभु जी, अनुग्रह कीजिए, दृष्टि कीजिए प्रभु, सबों के दिए हुए भेजे हुए प्रार्थना निवेदन के ऊपर आप दृष्टि कीजिए और उसका उत्तर सबों को हाँ आमीन में दीजिए प्रभु, जो दान दस मास दिए हैं प्रभु जी, उनके लिए आकाश के झरोखे हाँ प्रभु स्वर्ग के झरोखे खोल दीजिए, और प्रभु जीवन के ऊपर प्रभु आशीषों की वर्षा कीजिए प्रभु जी, बहुत सारा आशीष से प्रभु उनके जीवन में आप दीजिए, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, जो भी कारोबार करते हैं उसमें प्रभु हजार गुना आशीष से तू दे, धन्यवाद देते हैं, खत्तों को ब्लेस कर दे, रसोई घर को प्रभु जी ब्लेस कर दे प्रभु, प्रभु इनके घर में जो कुछ भी हो प्रभु आशीषित कर दे प्रभु जी, इनके कामों को काजों को ब्लेस कर दे प्रभु, दिन प्रतिदिन आगे कर बढ़े और ऊँचा जाए, सहायता कर दे, मदद कर दे महान परमेश्वर, धन्यवाद देते, आपकी स्तुति हो प्रभु जी, आपकी महिमा हो प्रभु, धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा और सम्मान आपको मिले प्यारे प्रभु यीशु मसीह, प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते हैं और कहते हैं खुदावन आमीन 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 लॉर्ड जीसस आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे और शाम 4 बजे प्रार्थना को रिसीव कीजिए, प्रार्थना में शामिल होइए और प्रार्थना को शेयर भी करना, ऐसा करने से
आप ही प्रभु के पनाह में रहेंगे और कभी किसी भी चीज़ की कमी घटी आपको नहीं होगा। प्रभु आपको स्वर्गीय आशीषों से भी तृप्त करेगा। कल सुबह 4 बजे की प्रार्थना में जरूर शामिल होना और प्रार्थना को जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी करना। सच में बहुतायत के जीवन बहुतायत की आशीष आप पाएंगे। मेरे प्रियो, अगर आपका कोई प्रार्थना निवेदन प्रार्थना विषय है तो कमेंट के जरिए आप हमें अपनी प्रार्थना निवेदन दे सकते हैं। हम आपके कमेंटों को पढ़ते हैं और आपके दी हुई प्रार्थना निवेदन प्रभु के हजूरी में रखकर प्रभु से प्रार्थना करते हैं। आपका विश्वास है कि उसका उत्तर प्रभु आपको देगा, तो सच में आप अपने दिए हुए भेजे हुए प्रार्थना निवेदन प्रार्थना विषय का उत्तर हाँ आमीन में प्रभु की ओर से पाएंगे। प्रभु आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के मीठे और मधुर नाम में जय।